शारीरिक मानसिक हर तरह की मिलती है। जितना हमारे जीवन में शिक्षा का महत्व है उतना ही हमारे जीवन में खेल कूद का भी महत्व है। समिति के अधिकारी गण, विद्वत विद्वान विदुषी दीदी और आचार्य और प्यारे भैया बहनों, आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। अपने भारत सरकार के द्वारा आज का दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में उन्होंने दिया है। ये किनके स्मृति में मनाया जाता है? वाह, बहुत बढ़िया। मेजर ध्यानचंद कौन थे? हॉकी के जादूगर थे। जादूगर कहा गया उनको कि जब वो हॉकी स्टिक लेकर के मैदान में उतरते थे तो गेंद कभी उनके स्टिक से बाहर नहीं जाती थी, जिसके कारण कितनी बार उनके हॉकी स्टिक की जांच की गई कि इनके हॉकी स्टिक में है क्या जो कि कहीं बॉल इनसे दूर नहीं जाती है, गेंद दूर नहीं जाती है, बात क्या है। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं पाया और इसके बाद एक बार ओलंपिक में 1932 की बात है, जैसा आप लोग भी पढ़ते होंगे, जर्मनी को 12 गोल से हराया था और 12 गोल में 10 गोल इन्होंने ही किया था। तो इन सब चीजों के बाद इनको बताया गया और इनको सम्मानित किया गया हॉकी के जादूगर, ऐसा एक सम्मान दे करके इनको सम्मानित किया गया हॉकी के जादूगर के रूप में। उन्हीं की स्मृति में भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया। खेल हमारे जीवन का एक अंग है। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे केवल पढ़ने में मन लगता है, खेलने में मन नहीं लगता। हमारे जीवन का अंग है, जीवन जीने का अंग है। कैसे? तो खेल शारीरिक भी होता है, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए होता है, शरीर को मजबूत बनाने के लिए होता है। शारीरिक खेल, मानसिक खेल, बौद्धिक खेल और उसके बाद ध्यान केंद्रित खेल भी होते हैं और तार्किक खेल भी होते हैं। हम बैठे बैठे भी खेल सकते हैं,
खड़े होकर भी खेल सकते हैं, दौड़ करके भी खेल सकते हैं, बहुत तरह से खेलों को अपनी अपनी श्रेणी में बांटा गया है। और कुछ खेल होते हैं एडवेंचरस, साहसिक खेल, एडवेंचरस खेल, जिसमें पर्वतारोहण है, स्कूबा डाइविंग है ना, और भी तरह तरह के खेल हैं जो कि साहसिक खेलों में रखा गया है। कहने का अर्थ हुआ कि जब हम खेलते, खेल से हमें क्या मिलता है, खेल क्यों रखा गया। आपके प्रत्येक दिन की समय सारणी में खेल का एक न एक जरूर कालांश होगा और आप उसकी प्रतीक्षा में रहते हैं। नहीं, ये है हर एक दिन के समय सारणी में एक कालांश, एक पीरियड कम से कम एक खेल का रखा जाता है। नहीं है कोई बात नहीं, दो दिन में होगा, वो जगह की उपलब्धता के कारण होती है। जगह उपलब्ध है तब प्रतिदिन हो सकता है। और दूसरी बात कि जब कभी कोई आचार्य या दीदी उपस्थित नहीं है उस दिन, तो आप में से ही जब कोई शिक्षक जाते हैं क्लास में, अरेंजमेंट क्लास या सब्स्टिट्यूशन क्लास में, तो आप कहते हैं कि आचार्य जी आज चलिए खेल मैदान में खेलते हैं। पहला आपके तरफ से ये आग्रह रहता है, हम भी पूरी जिंदगी शिक्षक रहे और उसके बाद हमने भी देखा, अनुभव किया, लेकिन वो भी एक नियम के अनुसार। अगर स्कूल प्रबंधन हमें उसका उसकी आज्ञा देता है, तब हम आपको ले जा करके मैदान में खिला सकते हैं। और खेल तरह तरह के होते हैं, सारे अभी बताया हमने, तो खेल का महत्व इतना है। लेकिन खेल को खेल के तरह से अगर देखिएगा, आज वो कहावत सही नहीं है, पहले जमाने में आज से 50-60 साल पहले कहा जाता था, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, लेकिन आज वो नहीं है, आज उल्टा हो गया। अभी प्रधानाचार्य जी ने बताया, सुमंत जी ने बताया, खेल के लिए लगन चाहिए, शारीरिक क्षमता चाहिए और उसके बाद ध्यान केंद्रित होना चाहिए, साहस होनी चाहिए कि हमें इसमें, इस खेल में आगे बढ़ना है। अगर उस खेल में आपको निपुणता हासिल करनी है, तो उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाती है, वर्ग व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था सब जगह की जाती है। आज सरकार के द्वारा कितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं, खेलो इंडिया के माध्यम से एक गाँव से भी, ग्रामीण क्षेत्र से भी बच्चे, आज उनको भी अवसर मिल रहा है और वो कहां से कहां पहुंच रहे हैं। खेल हमें क्या शिक्षा देता है, सबसे पहला नियम से चलो, अनुशासन से चलो। अनुशासन और नियम से खेल में कोई भी समझौता नहीं हो सकता। अभी आपने देखा होगा, अभी ओलंपिक खत्म हुआ है, अपनी एक विनेश फोगाट का नाम सुना होगा, विनेश फोगाट थी ना कुश्ती में, महिला कुश्ती में, तीन रेसलर्स को उन्होंने हराया लगातार, तीन बाउट में हरा दिया, उसके बाद फाइनल में पहुंची, लेकिन वहां नियम, उनका वेट बढ़ गया और वेट बढ़ने के बाद क्या हुआ, रात भर उन्होंने वर्कआउट किया, मेहनत किया, जिम में किया, लेकिन वजन कम नहीं हो पाया, 100 ग्राम वजन ज्यादा हो गया, जिस नियम के तहत वो डिस्क्वालिफाई हो गई। सबसे पहला नियम, खेल नियम से चलता है, और जो अगर खेल में नियम का पालन करेंगे, तो हमारे जिंदगी में भी जो हम जीने की कला हम सीखते हैं, वहां भी नियम से ही चलेंगे। खान पान का नियम, कपड़ा पहनने का नियम, बाकी
सामाजिक नियम है तो उस नियम के तहत हम आगे बढ़ते हैं, यानी हमारा जीवन जो है नियमित रूप से आगे संचालित होता है। दूसरा अनुशासन, अनुशासन में रह करके खेलिए। ऐसा नहीं, सीटी देखते हैं जब 100 मीटर रेस हुआ चाहे इस तरह का, सीटी बजी, कुछ लोग सीटी बजने के पहले ही 2-3 लोग दौड़ जाते हैं, ऐसा भी होता है, तो वो डिस्क्वालीफाई, बर्दाश्त के बाहर की चीज है ना, तो इसलिए इतना उत्साहित तो होते हैं, बर्दाश्त नहीं है वो, उत्साहित तो होते हैं कि उत्साह में वो दौड़ जाते हैं, ऐसा नहीं है, वहां भी नियम है, हर चीज का नियम है। इसीलिए अनुशासन, कभी आपस में झगड़ा नहीं करते हैं। संगठन पर भी हम लोग जब खेलते हैं तो हर चीज के, कबड्डी होती है कबड्डी के नियम है, खो खो के नियम है, सबके नियम है और अनुशासन है। अनुशासन नहीं तो जिंदगी नहीं, और जिंदगी फिर पूरे अनुशासनहीनता में गुजरती है। इसीलिए सबसे नियम और अनुशासन, और इसके बाद क्या होता है, जब हम खेल को खेल भावना से खेलते हैं, खेल भावना से, शत्रुता की भावना से नहीं। क्लास में भी हर आदमी की शारीरिक सौष्ठवता एक जैसी नहीं होती है, हर आदमी एक जैसा मजबूत नहीं होता है, क्लास में भी सबके बुद्धि एक जैसे नहीं होती है, बुद्धि की क्षमता, मानसिक क्षमता एक जैसी नहीं होती है, नहीं तो सभी बच्चे फर्स्ट आ जाते, प्रथम श्रेणी में होते, क्यों, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसा रैंक मिलता है ना, तो वो आपके बौद्धिक क्षमता के अनुसार आप जो प्रयास करते हैं उसका फल मिलता है। उसी तरह शारीरिक क्षमता भी सबकी अलग अलग होती है, लेकिन उसके पहले साहस होनी चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए कि हाँ हमें इस खेल में उतरना है और हमें जीतना है। जीतना तो सभी को है, सब जीत हार, खेल में जीत हार को, अभी आपने पढ़ा होगा नीरज चोपड़ा जी के बारे में, पढ़ा ना, नीरज चोपड़ा जो पिछली बार स्वर्ण पदक जीत करके आए थे भाला फेंक में, इस बार रजत पदक जीता, स्वर्ण पदक कौन जीता, पाकिस्तान का जीता ना, लेकिन उन दोनों में इतनी अच्छी मित्रता देखी गई वहां पर कि ओलंपिक वालों ने भी कहा कि बाप रे, दोनों देश पड़ोसी देश हैं, एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन यहाँ खेल में जब आए हैं तो दोनों में इतना प्यार, इतना सद्भाव, इतनी अच्छी मित्रता देखी गई कि वो एक उदाहरण पेश किया जाता है। तो इसलिए खेल में कभी शत्रुता नहीं होनी चाहिए, प्रतियोगिता है, प्रतिस्पर्धा है, हो सकती है, होनी चाहिए, लेकिन शत्रुता नहीं होनी चाहिए। क्या फलाना फर्स्ट हो गया, अच्छा चल आज देखते हैं तुमको क्लास के बाहर, ऐसा कभी नहीं, तब फिर आप खेल के नियम और सीखे ही नहीं। आप खेलते फुटबॉल खेल रहे हैं, क्या हुआ, गोल मारने जा रहा है, सामने खड़ा हो गया, उसी को मार दिया खींच करके, एक बॉल, घायल हो गया बेचारा, इस तरह भी होता है। हमने खुद देखा, मैं देखा हूं, मैं हाउस वार्डन था कितनी बार, दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो इस्पात नगर में मैं हाउस वार्डन था, मैं खुद कहला हूं, एक ने मारा इतनी जोर से कि उसके लगे पेट में चोट, बेचारे को लेकर हॉस्पिटल गया। तो ये मित्रता की भावना नहीं हुई, तो आपने सीखा क्या, कुछ नहीं सीखा, यानी कि आप खेल के लायक नहीं है, खेल के नियमों के अनुसार नहीं चलेंगे। तो ये अपने मन से एकदम निकाल दीजिए, खेल में हमेशा मित्रता सद्भाव होनी चाहिए, आपसी वैमनस्यता नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से अभी प्रधानाचार्य जी ने कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मानसिक, स्वस्थ बुद्धि का निवास होता है, इसीलिए शारीरिक स्वस्थता के लिए हमें खेल अत्यंत आवश्यक है हमारे। तो लेकिन खेल को हमेशा खेल की भावना से खेलें, कभी भी आपस में नियम से खेलें, अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए, हर एक चीज के लिए हर एक का नियम बनाए, इससे आपकी जिंदगी एक नियमित, अनुशासन, अनुशासित और
एक मित्रतापूर्ण सामाजिक सद्भाव, वही आचरण आपके दिलो दिमाग में, अंदर में, हृदय में आएगा और फिर आप समाज में आप जाएंगे तो आपकी भी प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वो कहेंगे कि नहीं, ये बच्चा अनुशासित है, ये बच्चा बहुत बढ़िया है, मित्रतापूर्ण भाव सबसे। तो इस तरह के खेल की महत्ता हमारे जीवन में बताई गई है। आज सभी को खेल, किसी ना किसी रूप में खेल को तो अपनाना ही चाहिए। मेरे पैर टूटे हुए थे लेकिन हमने फिर भी खेला कबड्डी। आज भी हम जब देखते हैं कहीं पर शाखा पर होता रहता है तो जरूर सोचते हैं कि नहीं, मन में होता है खेलें, लेकिन हमने अपनाया अपने जिंदगी में पर्वतारोहण। पर्वतारोहण हमने अपनाया और बहुत बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स कितने हमने ये भी किए, एक्सपेडिशंस भी किए हम लोगों। तो वहां पर इसीलिए कहता है साहसे श्री प्रतिवसति, साहस में ही सफलता का निवास है। इसीलिए साहस, लगन होनी चाहिए कि नहीं, सामने पहाड़ है, हमें चढ़ना है। अगर ये सोच लेंगे कि पैर में चोट, शरीर में चोट लग जाएगा, तब तो हम जाएंगे ही नहीं। मैं जब ट्रेनिंग में गया तो कहा गया कि अरे ये चौक चलाने वाला आ गया है यहाँ पहाड़ से लड़ने के लिए। हमने कहा चलो, लेकिन वहां से भी हमने A+ ग्रेड लेकर के मैं आया पर्वतारोहण में। तो कहने का अर्थ हुआ कि साहस, लगन होना चाहिए, तभी आप किसी भी प्रतिस्पर्धा में, खेल के प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ सकेंगे। और शिक्षा में भी, जब आप क्लास में भी पढ़ते हैं, पढ़ाई में भी बहुत आगे बढ़ सकेंगे। आज के लिए हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे आप लोग के बाद, इसके बाद अभी खेल भी होगा, प्रतियोगिताएं होंगी, लेकिन प्रतियोगिता को खेल भावना से देखना है। दौड़ में किसी को लंगड़ी नहीं मार देना है, गिरा नहीं देना है, आपस में धक्का नहीं मारना है, किसी को आहत नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, जय श्री राम, जय श्री राम। आप लोग के बताना चाहेंगे कि जितना आप लोग पढ़ाई में, पढ़ने में अच्छे हैं, हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि आप लोग खेल में भी उतना ही अच्छा बने, क्योंकि खेल एक ऐसा माध्यम है जिससे कि आपका शारीरिक विकास तो होता ही है, मानसिक विकास भी बेटा बहुत अच्छी तरह से होता है। जैसे कि आज हम कुछ ऐसे खेल खेलेंगे जिसमें कि आपको हर पल आपको लगेगा कि हम कितनी तेजी से अपनी क्रिया को कार्यान्वित कर सकें, कितना जल्दी आप एक्टिव होते हो हमारे शब्दों से। और खेल को खेलते समय आपकी मेमोरी भी काफी स्ट्रांग होती है। सबसे ज्यादा लाभ आपकी मेमोरी होती है, आपका क्विक एक्शन होता है सब्जेक्ट पर। इसलिए आप लोग मन से खेलें, जितना पढ़ाई पढ़ें उतना ही अच्छे ढंग से खेलें और भारत का नाम ऊंचा करें। हमारे भैया बहनी में से बहुत सारे लोग हमारे देश का नाम रोशन करने वाले हैं, ये मुझे पूर्व में ही विश्वास है ना। अब हमारे प्रिंसिपल महोदय जो है कि आप लोगों को जो भी आदेश दें उसके बाद हम लोग साथ हैं। बंदे मातरम, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, इसलिए खेल भी आवश्यक है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है।
टच कर दिया तो ये रावण बन गया। हाँ नहीं ये एक बच्चा रावण बन गया। ठीक है, जब हम रावण बोलेंगे तो आप अपने ग्रुप में भागिएगा, ये छुएंगे अगर टच कर गए तो आप राम बन गए। जितना आप कर सकते Yeah.